हाय फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे चैनल एग्री एक्स वाई जेड पे आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में, लंपी स्किन डिजीज वायरस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं LSDV, यानी कि LSD वायरस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LSD वायरस। देखिए, आज का मेन हमारा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट यह है कि यह स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए, और दूसरी चीज़ जो ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो पशु पालते हैं, उनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें लंपी वायरस की डिजीज कैसे फैल रहा है, कैसे इनके सिम्टम है, मतलब लक्षण इसके कैसे हैं, उसके बाद से इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यह है वायरस जनित रोग। कौन सा रोग है? वायरस से फैलने वाली रोग है। क्योंकि वायरस से रोग फैलता है कितना तेज, हम लोग को अच्छी तरह से जानकारी है। क्योंकि हम लोग कोरोना जो हमारी थी, कोरोना जो है वायरस से होने वाली रोग थी, और जो है क्या होती थी, वो बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही थी, फैल रही थी। उसी प्रकार ये भी क्या, एक वायरस जनित रोग है, एक वायरस से फैलने वाली रोग है, जो कि प्रत्येक पशु में, यानी कि मुख्य रूप से हमारी जो गौ माता है उनमें जो है फैल रही है। ठीक है, तो गौ माता यानी कि जो है जो हमारी गौ माता है, सांड है, या कुछ जो छोटे बच्चे बछिया जो हैं उनमें जो है मुख्य रूप से क्या हो रही है, फैल रही है। भैंस में मुख्य रूप से अभी तक नहीं देखा गया है। ये रोग जो है सबसे पहले राजस्थान और हरियाणा में देखा गया था, लेकिन अब जो है ये मुख्य रूप से हमारे यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से जो है लगभग फैल चुकी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनकी सिम्टम की बात करें। ठीक है, इनके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, लंपी डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर लंपी डिजीज होती है हमारे पशु की, तो उसकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है या उनका जो तापमान होता है वो लगभग बढ़ जाएगी, बुखार के लक्षण आएंगे, लगभग 105 से 106 डिग्री क्या हो जाएगा, उनका टेम्परेचर हो जाएगा, लगभग बुखार के लक्षण आएंगे। ठीक है, तो लगभग इनका जो है इनक्यूबेशन पीरियड की बात करें, मतलब इनकी जो है कितने दिन बाद अपने लक्षण को ये दिखाते हैं, जब ये रोग से प्रभावित हो जाते हैं, तो लगभग ये 6 से 7 दिन बाद जो है ये अपने लक्षण को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये एक वायरस जनित रोग है। ये मेंबर किसकी है, हर चीज़ की एक मेंबर होती है, जिसे कैपरी पॉक्स वायरस, ये मेंबर किसका है, या फिर इस वायरस का नाम क्या है, कैपरी पॉक्स वायरस इस वायरस का नाम है। इसकी फैमिली की बात करें तो पॉक्सीविरेडी फैमिली है। क्या है, पॉक्सीविरेडी फैमिली है, जो हमारी मॉन्की पॉक्स जो डिजीज आई थी उसी की मेंबर की है ये वायरस, मतलब उसी मेंबर की जो है ये वायरस जो है उसी मेंबर की है, जो मॉन्की पॉक्स वायरस जो थी उसी की मेंबर है। ठीक है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट की बात अभी बात करेंगे। सबसे पहले इसके लक्षण हम बता दिए। देखिए, इसके लक्षण जो है, टेम्परेचर बढ़ जाएगी और शरीर पे जो है उनके जो है चमड़ी जो होगी हमारी गाय माता की, या फिर जो हमारी गाय हैं, कैटल हैं, उन पे जो है ब्राउन कलर की या ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे और बड़े बड़े फफूदे आ जाएंगे। ठीक है, और जो बड़े बड़े फफूदे आ जाने से वो अपनी खाना बंद कर देंगी, चारा खाना बंद कर देंगी, जुगाली करना बंद कर देंगी, जिससे क्या हो जाएगा, उनको बैठने में भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पता है हमें, अगर छोटी सी फफूदी हो जाती है या छोटे से फोड़े हो जाते हैं, तो हमें बैठने में या चलने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक उसी प्रकार अगर गाय में ये सब रोग देखने को मिलता है, तो उसे बैठने में, जुगाली करने में, मुंह से लार्वा निकलेंगी, ठीक है, चारा खाना छोड़ देगी, अनेक अनेक तरह की जो बीमारियाँ मतलब उसमें देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्राउन धब्बे आ जाएंगे उनके शरीर पर। ठीक है, तो ये उनके हो गए लक्षण। ठीक है, और उनसे बचाव कैसे करेंगे, सबसे पहले इनके उपचार की बात करें, तो इनका उपचार क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो है हमें नीम की जो पत्ती होती है उसको क्या करेंगे, पानी में बॉयल करेंगे और उसकी पानी सूख से शरीर को लगभग 2 से 3 बार क्या करेंगे, धोएंगे, जो कि एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक की काम करेगी। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये फैलता कैसे है, इसकी फैलने के बारे में बात करें, देखिए इससे फैलता कैसे है, जो हमारी जितने भी सकिंग इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जो खून को चूसते हैं, जैसे कि जो हमारी फ्लाई हो गई, उसके बाद मक्खी, उसके बाद जो मॉस्किटो है, थिक्स है, ठीक है, ये सब जितने 2-3 ऐसे इंसेक्ट हैं जो क्या करते हैं, इसे एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में मदद करते हैं। और आपको पता है कि ये क्या है, वायरस जनित रोग है, तो वायरस क्या होते हैं, हवा में जो है आराम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं हवा के सहारे। ठीक, उसके बाद से इनकी फैलने की बात हो गई, इनके इनसे बचाव कैसे करेंगे, बचाव पाली बात तो इसे जो है नीम की पत्ती से बॉयल करके हमेशा धोते रहेंगे। दूसरी चीज़, इसे अगर आप ग्रुप में हैं, अगर आपकी गाय माता अगर ग्रुप में है, तो
तुम्हें क्या करेंगे, किनारे करेंगे, सभी पशुओं से क्या कर देंगे, किनारे कर देंगे, नहीं तो ये बीमारी पूरी तरफ सेपरेट हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक, उसके बाद से वहाँ की साफ सफाई रखे रहेंगे, मतलब जिस जगह पे पशु आपकी है वहाँ क्या करेंगे, अच्छी तरह से साफ सफाई रखेंगे, सैनिटाइज कर देंगे ताकि वहाँ पर और कोई डिजीज ना हो। ठीक है, पशुओं को ग्रुप से अलग कर देंगे, हमने बता ही दिया। उसके बाद से बात करें इनकी जो है ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आप जो हमने बता दिया नीम की पत्ती साथ धोते रहेंगे। उसके बाद से आप नज़दीकी जो है आपके डॉक्टर हैं उनसे क्या करेंगे, मिलेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। कुछ हमने ट्रीटमेंट लिख दिया है, इंजेक्शन के नाम है, एक इंजेक्शन का नाम है मेलोन प्लस, मेलोन मेलोनेक्स प्लस है। ठीक है, फिर दूसरा इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोपेंसिलिन। ठीक है, और तीसरी इंजेक्शन है हमारी क्या, इवरमेक्टिन है, और चौथी क्या है लिवेमिसोल। ठीक है, तीन चार ऐसे क्या है इंजेक्शन है जो कि आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से सुझाव अनुसार जो है अपने पशुओं को क्या कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, जिससे इस डिजीज से क्या हो सकता है, छुटकारा मिल सकता है। एक हमारी वैक्सीन है, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो ये वैक्सीन जो है गॉट पॉक्स वैक्सीन आती है, इसी नाम से, किस नाम से, गॉट पॉक्स नाम से, तो उसको क्या कर सकते हैं आप जो है डॉक्टर के सुझाव अनुसार लगवा करके अपने पशु को बचा सकते हैं। देखिए अभी तक तो इसमें यही पाया गया है कि मोर्टिलिटी रेट यानी कि जो मृत्यु दर है वो लगभग 5 से 10% ही पाई गई है, लगभग पशुओं को इससे बचा दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे इंजेक्शन हैं और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही था कि गांव के लोग क्या थे, ग्रामीण लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान थे इस रोग से कि ये रोग कहाँ से आ गई है, कैसे फैल गई है। तो इस रोग का नाम लंपी डिजीज वायरस है, लंबी स्किन डिजीज वायरस है, जो कि इस वायरस से हो रही है, और वायरस से जो कोई भी रोग अगर होती है तो बहुत तेज़ फैलती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोरोना था 2019 में आया था वो वायरस से ही आया था, और बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा, उसी मेंबर की ये वायरस है जो मुख्य रूप से बीमारी को फैला रही है। ठीक है, तो हमें जो है इससे बचाने के लिए पशुओं को ग्रुप से अलग करना, नीम की पत्तियों को पानी से धोना, जिस स्थान पे वहाँ पे सैनिटाइज करना, वहाँ पर हमेशा सफाई रखना, 2 से 3 बार पशुओं को नहला देना, और ये इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर के सुझाव अनुसार लगवा लेना, और गॉट पॉक्स वैक्सीन नाम से आती है उसको भी लगवाना। ठीक है, तो हमें जो है इससे क्या कर सकते हैं धीरे धीरे छुटकारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, सभी लोग इसको देखें और डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर के सुझाव अनुसार अपनी वैक्सीन को लगवाएं। ठीक है, और जो है इस बीमारी से अपने पशुओं को बचा लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।